हमें अपने चुनाव प्रक्रिया में, अपनी संसदीय प्रणाली में क्या कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। आपको एक बात यहाँ भी बताते हैं कि जिस तरह से हमारे यहाँ चुनाव किए जा रहे हैं, इन चुनावों पर भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हर चुनाव के परिणामों के साथ लग जाते हैं। चुनाव जब अनाउंस होते हैं तब भी बहुत सारी घोषणाएं आ जाती हैं और उन घोषणाओं से पहले लोग अपनी अपनी तरह से प्रतिक्रिया देने लगते हैं कि शायद इस चुनाव में भी वो प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा जिस प्रतिनिधित्व की ज़रूरत है। और फिर वो जो बहुमत की जो राज्य प्रणाली होती है, बहुमत की जो चुनाव प्रणाली होती है, उस प्रणाली में बहुमत के लोग अगर सत्ता का हिस्सा बन जाते हैं तो वो जो अल्पमत होता है उस अल्पमत का क्या, इसी सवाल के साथ लोकतंत्र खड़े होते हैं कि अल्पमत भी तो अपने आप में मत होता है और उस मत को भी कोई जगह होनी चाहिए। इस बात को लेकर, इस मुद्दे को लेकर दीवान विजय मानकर साहब ने बहुत सारे चार्टर पार्लियामेंट को दिए हैं और चुनाव सुधार प्रक्रिया पर बहुत सारा काम भी किया है। मानकर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जहाँ तहाँ हम लोग देखते हैं कि इन दिनों, मतलब लगभग पिछले 6-7 सालों का, 8 सालों का ये वक्त रहा है कि जब अम्बेडकरेट पार्टी की स्थापना हुई या फिर उससे पहले एम्बस का काम चलता रहा, इनके बीच में हमने ये देखा कि बहुत सारे चार्टर चुनाव सुधार की दृष्टि से लोगों के सामने आए। हम एक बात समझना चाह रहे हैं, अभी तो बिहार के इलेक्शन होने वाले हैं, पश्चिम बंगाल के इलेक्शन होने वाले हैं, इन सब इलेक्शंस में एक बात जिस पर सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन जाता है लोगों का, और वो होता है ईवीएम। अभी इस समय में जैसे अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं, और अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं तो अमेरिका की डेमोक्रेसी को बड़ी समृद्ध डेमोक्रेसी कहा जाता है, लेकिन वहाँ पर चुनाव प्रक्रिया में लोगों ने ये कहा कि 65% लोग पोस्टल बैलेट से वोटिंग करेंगे लगभग। तो अब मुझे आप बताइए कि वहाँ जो प्रक्रिया है चुनाव की, वो अगर ये इस समय हम लोग पैंडेमिक से गुजर रहे हैं तब लोग इस बात को भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या बिहार का इलेक्शन पोस्टल बैलेट से होगा या फिर बैलेट से होगा या फिर ईवीएम से होगा, जो हमेशा सवालों के घेरे में रही है। आपको क्या लगता है कि ईवीएम सवालों में है या फिर बेदाग है? नहीं, ईवीएम तो हरदम सवालों में रहेगी। हाँ, और बिहार का चुनाव भी ईवीएम से ही होगा, बैलेट से नहीं होगा। वो तो क्योंकि लॉ में प्रोविजन है, जी जी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, जी, ये दोनों के अंदर में ईवीएम का प्रोविजन इनकॉर्पोरेट किया गया। जब राजीव गांधी के पीरियड में ईवीएम इंट्रोड्यूस हुई, उसके बाद में जो है जब ईवीएम से चुनाव हुए तो केरला में जो है केरला का केस सुप्रीम कोर्ट में गया और ये सवाल आया कि भाई ईवीएम जो है वो तो इल्लीगल है क्योंकि ये दोनों में तो उसका प्रोविजन ही नहीं है। उसके बाद जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट ने इसको जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में इनकॉर्पोरेट किया। तो एज पर टुडे ईवीएम इज द लॉ, तो ईवीएम से चुनाव होगा। जब तक पार्लियामेंट इसको हटाता नहीं, ईवीएम से चुनाव होगा। और ईवीएम, जहां तक आपने कहा कि ये बेदाग है, मेरा ये मानना है ईवीएम बिल्कुल बेदाग नहीं है, हो नहीं सकती। दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो जो है वो टेम्पर किया जा सकता है, रिप्रोग्राम किया जा सकता है, अगर इंटरनेट से कनेक्ट हो तो हैक किया। लेकिन इस पर जितने सवाल उठे उसमें इलेक्शन कमीशन ने तो ये भी चैलेंज किया कि भाई कोई आए और इसको ये बताएं कि इसको टेम्पर कैसे किया जा सकता है। हाँ, लेकिन और हम सब ने देखा कि दिल्ली की विधानसभा में इसका एक बाकायदा प्रैक्टिकल हुआ, लेकिन इन चीज़ों का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। नहीं, देखिए वो इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है, जी, कि आप दिल्ली विधानसभा में जो बनाए या और भी कोई प्रोटोटाइप मशीन बना रहे हैं, जी, उसका जो सॉफ्टवेयर है, उसका जो प्रोग्रामिंग का जो कोड है, जी, वो तो आपको मालूम है, जिसको सिंपल भाषा में हम पासवर्ड बोलते हैं, वो तो आपको मालूम है क्योंकि वो आपकी मशीन बनाई हुई है। पर हमारी मशीन हमने बनाई है, इसका प्रोग्रामिंग, इसका जो कोड है, इसका जो सॉफ्टवेयर का जो पासवर्ड है, वो आपके पास नहीं, वो हमारे पास है। इसलिए आप हमारी इतनी मशीन को हैक नहीं कर सकते। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नया वर्शन है। मैं भारत में इस दिशा में कोशिश किया और मैंने कहा कि भाई कोई भी कंप्यूटर साइंटिस्ट, आज भी ये बात कह रहा हूँ, अगर वो जो है इसको क्वांटम इनक्रिप्टोग्राफी का जिसको नॉलेज है, क्वांटम इनक्रिप्टोग्राफी का लॉक है इसमें लगा हुआ, अगर उसका नॉलेज किसी भी कंप्यूटर साइंटिस्ट को है और वो लीगल चैलेंज को इलेक्शन कमीशन के एक्सेप्ट करना चाहता है, तो वो मुझसे कांटेक्ट करे, अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया उनको लीगल प्रोटेक्शन दिलाएगी और हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पर ये मशीन का जो है ओपन चैलेंज से जो है फिर जो है इसका रिप्रोग्रामिंग या मैनिपुलेशन करके दिखाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कंप्यूटर साइंटिस्ट लगेगा, ये कॉमन लोगों का काम नहीं है।
तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो इलेक्शन हो गए उस इलेक्शन में भी यही सब होगा? बिल्कुल, क्योंकि देखें ना, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं भाई केवल 5 बूथ गिनो असेंबली में, तो 5 बूथ अगर आप असेंबली में गिन रहे हैं, अगर 100 बूथ में 100 मशीन है उसमें केवल 5 मशीन का आप गिन रहे हैं, वो भी आखिरी में गिन रहे हैं, तो मैनिपुलेशन हुआ या नहीं हुआ ये आप पता नहीं कर सकते। और अगर हम लोकसभा का रिकॉर्ड देखें तो मुझे लगता है 370 के ऊपर जो लोकसभा की सीटें थी वहाँ पर जो एक्चुअल जो वोटर्स है और जो वोट निकले उसमें डिफरेंस मिला है, तो ये तो मैनिपुलेशन रहेगा। इसमें 50% तो कम से कम पेपर ट्रेल काउंटिंग होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ईवीएम से चुनाव कभी भी जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं माना जा सकता, क्रेडिबल नहीं माना जा सकता। तो फिर तो इस बात को, अगर हम आपकी बात को ठीक मान रहे हैं, तो फिर इस बात से ये निष्कर्ष निकाला जाएगा कि कभी भी शायद जब तक ईवीएम है इलेक्शन सही नहीं होंगे। बिल्कुल, डेमोक्रेसी इज रिग्ड थ्रू ईवीएम्स इन इंडिया। मैं ये बात को क्लियर कह रहा हूँ कि ईवीएम से जो है डेमोक्रेसी रिक की जा रही है, और सबसे बड़े पैमाने पर बीजेपी इसको आज रिक कर रही है। पहले कांग्रेस रिक कर रही थी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लेकिन उसको जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल और टेक्नोलॉजी का स्टैंड लेना चाहिए वो नहीं ले पा रहा है। क्यों आपको ऐसा नहीं लगता कि इस समय में जब बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं और पैंडेमिक भी चल रहा है, ऐसे में सरकार और चुनाव आयोग ये सोच रहा है कि हम ग्लव्स की, सैनिटाइजर्स की, इन सब की व्यवस्था करेंगे और इनकी व्यवस्था के साथ हम लोग ईवीएम से इलेक्शन करवाएंगे, क्या ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि हम लोग पोस्टल बैलेट की मांग करें और इस डिमांड के साथ जनता आगे बढ़े? इससे तो ग्लव्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, डिमांड तो की जा सकती है पर पोस्टल बैलेट से प्रैक्टिकली वोटिंग कराना डिफिकल्ट है। अच्छा, तो जो है चुनाव के लिए तो बूथ पर जाना ही पड़ेगा आपको, पर बूथ पे जाना है तो बैलेट से भी चुनाव हो सकता है, पर उसके लिए तैयार नहीं है। या आप 50% पेपर ट्रेल काउंटिंग कर ले कम से कम, उसके लिए इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं, दिक्कत यहाँ पर है। आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों को कैसे सुधारा जा सकता है? देखिए, मैंने 10 बिल दिए हैं कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अमेंडमेंट के साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, डिलिमिटेशन एक्ट, देन IT एक्ट 1961, इसके साथ में कंपनीज एक्ट 2013, देन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो एक्ट है वो, केबल नेटवर्क्स का जो एक्ट है वो, ऐसे जो है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर लगभग जो है वो 10 लॉस को अमेंड करने का मैंने जो है बिल बना के दे दिया। और बिल्स यानी अगर आपको कुछ नहीं करना है इसमें, डिबेट करके जो भी माइनर सुधार करना है वो करके जो है ये बदलाव लाया जा सकता है, ऐसा रेडीमेड बना के दिया। और आई एम वेरी हैप्पी कि भारत की हिस्ट्री में कॉन्स्टिट्यूशन बनने से लेके अब तक ऐसा कभी भी किसी ने इलेक्टोरल सिस्टम नहीं सोचा है। अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट पूछेंगे तो मैं इसका डिटेल्स बताऊंगा। एक बात ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बिल डिस्कशन के लिए पटल पर कैसे आएंगे? देखिए, मैं इसको अभी प्रयास कर रहा हूँ कि कोई प्राइवेट मेंबर जो है, जो एक MP है, क्योंकि गवर्नमेंट तो लाएगी नहीं, तो जो कोई भी अपोजिशन पार्टी का कोई भी एक मेंबर पार्लियामेंट, वो इसको प्राइवेट मेंबर बिल करके टेबल करेगा। तो प्राइवेट मेंबर बिल अगर टेबल होता है तो उसको भी सेम प्रोसीजर होती है गवर्नमेंट बिल की, सिर्फ वो बिजनेस में लिस्टिंग में थोड़ा पीछे जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पे आए, उस पर डिस्कशन हो, उस पर वोटिंग हो, फिर उसे पास होना है कि नहीं होना है वो बात का इशू है, लेकिन ये पार्लियामेंट का रिकॉर्ड बनेगा तो पूरे दुनिया की जो डेमोक्रेसी है वो देखेगी कि भारत में इस तरह का आमूलाग्र जो बदलाव है वो जो है कोई पार्टी जो है इसको लाना चाहती है, भारत के लोग लाना चाहते हैं। तो पहले स्टेप है और जनता में जन आंदोलन करना है दूसरी स्टेप है। तो ये इन बदलावों में क्या सुझाव हैं आपके? देखिए, मैंने जो हमारे देश में जो है, एक तो 1500 MPs होना चाहिए लोकसभा में, उसमें के 752 होना चाहिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में, 748 होना चाहिए FPTP, जो अभी का FPTP है वो सिंगल मेंबर है लेकिन उसको डबल मेंबर करें। यानी मान लीजिए हम अगर बैठे रामटेक नागपुर की जो लोकसभा है या दिल्ली की लोकसभा, कोई भी एक ले लीजिए आप, उसमें एक MP नहीं जाएगा, उसमें 2 MP जाएंगे, विधानसभा में भी एक MP नहीं जाएगा, 2 MP जाएंगे। तो इस तरह से जो है इसको हाइब्रिड सिस्टम बोला जाता है, मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम बोला जाता है, ये इसका पहला पार्ट है। दूसरा जो है इसमें जो है वो PR सिस्टम पार्लियामेंट, असेंबली और इवन लोकल बॉडीज़ में, ग्राम पंचायत को छोड़कर जहाँ पर भी पार्टी लेवल पर चुनाव हो रहा है, PR सिस्टम और मिक्स सिस्टम दोनों हो, ये किया है। दूसरा, PR सिस्टम में एक सबसे बड़ा इशू होता है कि क्या SC ST का रिजर्वेशन इसमें गारंटी हो पाएगा, क्योंकि अगर मैं संविधान सभा के डिबेट्स में चले जाऊं तो 4 जनवरी 1949 को जी अली बेग जो मेंबर पार्लियामेंट थे, जो CPN बिरार से ही थे, उन्होंने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हमने एक्सेप्ट करना चाहिए ये कहा था,
जिसको केटी शाह और कंजरू जी ने सपोर्ट किया था, मोहम्मद अली बेग ने जो है वो उसको सपोर्ट किया था। मुझे दुख से कहना पड़ता है कि संविधान सभा में, इंक्लूडिंग ऑल मैं कह रहा हूँ, इस पर बगैर रिसर्च किए इसको रिजेक्ट किया। और उसका रिजेक्शन का एक बहुत बड़ा कारण ये भी था, वो डिबेट्स को पढ़ सकते हैं लोग जाकर, कि भाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में एससी एसटी का रिजर्वेशन गारंटी नहीं हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे खुशी होती है, क्वेश्चन मेरे माइंड में था क्योंकि मैं डिबेट्स को पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत पढ़ाई है, कि भाई एससी एसटी का रिजर्वेशन कैसे गारंटीड होगा। मैंने एससी एसटी का परसेंटेज इसमें निकाल कर दिया है कि पीआर सिस्टम में भी रिजर्वेशन गारंटीड होगा, इंक्लूडिंग महिलाओं का भी मैंने करके दिया है। तो ये एक जो प्रॉब्लम थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को नहीं समझा, वो मैंने सॉल्व किया, इसकी भाई मुझे खुशी है एक बात की। दूसरा एक सवाल पीआर सिस्टम में होता है कि कट ऑफ लिमिट क्या, किसी पार्टी को कितना परसेंट वोट मिलने से उसको एलिजिबिलिटी आएगी। तो इसमें जो है 0.15% का कट ऑफ हो नेशनल लेवल पर, ये मैंने किया। यानी मोटे तौर पर आज की तारीख में मैं कहूँ कि 9 लाख भी वोट अगर मिल जाए एपीआई को, तो उसके 3 MP पार्लियामेंट में रहेंगे। लेकिन आप देखिए, जैसे मैं महाराष्ट्र का उदाहरण बताता हूँ कि प्रकाश अंबेडकर जी की जो पार्टी थी, तो उनको शायद 32 या 33 लाख लोकसभा में मिला था एक्सक्लूडिंग MIM, लेकिन उनका एक भी MP जो है वो चुनकर नहीं गया। लेकिन PR सिस्टम यदि होता और 9 लाख भी वोट मिलते तो 3 MP जा सकते थे। तो ये एक प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की है, और इसको जो है FPTP को जो है वो चेंज करके PR और FPTP का डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी का हाइब्रिड सिस्टम लाना चाहिए, जो दुनिया में देखिए आप जितने लोकतंत्र हैं उसमें जो 105 लोकतंत्र में केवल 24 लोकतंत्र है। ये जो अभी का सिस्टम है FPTP का, वो भी ऐसा नहीं है, भारत का सबसे अप्रातिनिधिक है, उसको करते हैं। और 81 जो कंट्रीज है वो PR सिस्टम या हाइब्रिड सिस्टम को करते हैं। दुनिया की अगर मैं डेवलप्ड कंट्रीज की बात करूं, तो अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा को छोड़ के कोई डेवलप्ड कंट्री ये सिस्टम को जो है वो नहीं करती। पर इंग्लैंड में 1 लाख पर 1 MP है, हमारे यहाँ पर 25 लाख पर 1 MP है, ये फ़र्क है। आपको क्या लगता है कि इस बात को क्यों स्वीकारा जाएगा? इस बात को इसलिए स्वीकारने की ज़रूरत है क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब मेजॉरिटी रूल नहीं होता, ये मैं नई बात बोल रहा हूँ। आज डेमोक्रेसी जो मेजॉरिटी रूल है वो इसका जो है वो मीनिंग गलत है। मेजॉरिटी रूल जो है इसका मतलब 51% मिल जाए तो आपका रूल आ जाएगा। डेमोक्रेसी की 3 कॉन्सेप्ट्स है, एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, तीसरी डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। ये तीनों कॉन्सेप्ट जो बेसिकली है इसको अगर मिला ले तो 1 vote 1 जो वैल्यू है ये आपके 100% वोटों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ये डेमोक्रेसी कहती है। और जबकि FPTP में जो है वो 45% 50% से ज़्यादा जो लोग हैं वो एक्सक्लूड हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर नागपुर है लोकसभा है, उसमें 5 लाख वोट मिल जाए API के कैंडिडेट को, और BJP के कैंडिडेट को 5 लाख 1 वोट मिल जाए, तो API के कैंडिडेट घर में बैठेगा और BJP का कैंडिडेट पार्लियामेंट में जाएगा। अब उसको 51% वोट नहीं है, फिर भी वो जो है वो जीत कर गया और ये वोटर्स नॉन रिप्रेजेंटेटिव हो जाए। तो भारत में ये जो FPTP का जो मॉडल है, जो ब्रिटिश मॉडल लिया उस समय का, ये नॉन रिप्रेजेंटेटिव मॉडल है। इसको जर्मनी नहीं लेती है, इसको फ्रांस नहीं लेती, स्वीडन नहीं लेती, डेनमार्क नहीं लेती, साउथ अफ्रीका नहीं लेती, हमने क्यों रखा हुआ है इसको? और इंग्लैंड ने भी खुद रिफॉर्म किया इसको काफ़ी हद तक, स्कॉटलैंड में नहीं है ये सिस्टम, हम क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्या हमको जमैका, बारबाडोस बनना है, बहामास बनना है, सेंट ग्रेनेडीज बनना है, विंसेंट बनना है? तो हमको जो है अगर डेमोक्रेसी सही में हमको अगर एनरिच करना है तो इलेक्टोरल सिस्टम चेंज करना होगा। तो ये इसका फायदा जो है वो आप कह रहे हैं कि इसके कारण सबका 100% रिप्रेजेंटेशन, ये फॉर्मूले से 90% से ज़्यादा वोटर रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे। और छोटी पार्टी हो, माइनॉरिटीज़ के लोग हो, गरीब लोग हो, वो भी चुन के सीधा पार्लियामेंट जा सकते हैं। लेकिन एक दूसरी बात भी, अभी पिछले दिनों जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि जो प्रतिनिधि है जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उसमें अगर वो फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उन्होंने पिछले 5 साल में उनका जो संपत्ति का ब्यौरा है, उसका जो स्रोत है, वो स्रोत भी वो दें और वो लिखें। आपको क्या लगता है कि ये करने से भी चुनाव सुधार होते हैं? नहीं, ज़रूरी कोई बुरी बात नहीं है उसमें। ये जो है पूरे दुनिया में डेमोक्रेसीज़ में जो है वो जो है अपना जो वेल्थ का जो डेटा, इनकम का जो डेटा है जी, वो जो है वो डिक्लेयर किया जाता है, वो उसमें दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आप जो है आपको ये चीज़ दिखती है, वैसे तो ये सुप्रीम कोर्ट का विषय नहीं है, मेरा क्लियर कहना है, ये विषय पार्लियामेंट का है। तो जो विषय सुप्रीम कोर्ट का ही नहीं है, मुझे उसमें ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट सुप्रीम, यू सी कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सुप्रीम, और हमारी जो स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पार्लियामेंट को सुप्रीमेसी दी गई है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट कभी कोई डिसीजन देता है वो क्यों होता है, ये एनक्रोचमेंट ऑफ द डोमेन
क्यों होता है कि ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं है, जुडिशियल एनक्रोचमेंट है, क्यों होता है? जब पार्लियामेंट अपना फंक्शन नहीं करता है, जब एग्जीक्यूटिव अपना फंक्शन नहीं करती है, तब होता है। मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ठीक है ये कर लो, आप डिक्लेयर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि भाई कोई चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट को और पार्टीज़ को पब्लिक फंड देने में क्या दिक्कत है आपको? आप ये कंपनीज़ को इतना लाखों करोड़ रुपया छोड़ सकते हैं टैक्सेस में, तो आप चुनाव के लिए जो है वो पैसा एक गरीब कैंडिडेट को और पार्टीज़ को क्यों नहीं दे सकते? सबको दो, ये क्यों नहीं कर सकते? दुनिया में अगर मैं डेटा बताऊँ, 134 कंट्रीज़ में पब्लिक फंडिंग है, यानी चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट्स और पार्टीज़ को जो है पैसा मिलता है, भारत में क्यों नहीं हो सकता है? तो आप चाहते हैं कि ये भी बदलाव हमारी संसदीय प्रणाली में आ जाए? मैं सब बोल रहा हूँ, ये मेरे बिल की इश्यूज है, मैंने ऑलरेडी नेशनल इलेक्टोरल फंड का प्रोविजन किया है इसमें। अच्छा अच्छा, और कैलकुलेशन करके दिया किसको कितना पैसा मिलना चाहिए। क्या मीडिया से रिलेटेड भी कोई बिल? बहुत बड़ी बात है, मीडिया रेगुलेशन जो है, अभी देखिए आप मीडिया जो है जी, हमको प्रैक्टिकल अनुभव है और आप भी मीडिया फील्ड से है तो आपको भी अनुभव है। इलेक्शन के पीरियड में डायरेक्टली कहते हैं कि हम आपको क्यों दिखाए सर, आपके पार्टी को क्यों दिखाए, हमको क्या फायदा है, आपके पार्टी से हमको कितना एडवर्टाइज मिलेगा। अब मान लीजिए आपके पास में पैसा नहीं है, क्योंकि आप तो जनता के पैसे से चुनाव लड़ रहे हैं, आपके पास अंबानी तो है नहीं, तो फिर आप जो है वो आपको नहीं दिखाएगा, आपकी टैलेंट को, आपकी पॉलिसीज को बिल्कुल नहीं दिखाएगा, मोदी को दिखाएगा और किसी को दिखाएगा, जिसका पैसा मिलेगा वो दिखाएगा। कितना समय दिखाना, इसका कोई रेगुलेशन नहीं है। तो दुनिया में जहाँ पर देखिए, मैं दो तीन आपको, वेनिस कमीशन फॉर डेमोक्रेसी यूरोपियन यूनियन का, फिर इंटरनेशनल आइडिया जो एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, ये दो लोगों ने दुनिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रल सिस्टम पर रिसर्च किया, दो एजेंसीज है पूरे वर्ल्ड की, और उसमें पूरे वर्ल्ड में कैसे कैसे सुधार आए उसका स्टडी है। दुनिया ने जो है मीडिया रेगुलेशन का लॉ इलेक्शन को लेकर, क्या लॉ है? एक, सबको दिखाना है, सबकी पॉलिसीज बताना है, सबकी एडवर्टीजमेंट करना है, एडवर्टीजमेंट का रेट आप लॉ ऑफ जो है डिमांड एंड सप्लाई पर नहीं डिपेंड होगा, जो है इलेक्शन कमीशन या जो भी कमीशन से रेट डिक्लेयर करेगी उस पर होगा, और इन चीज़ों को अगर आप नहीं मानेंगे तो इलेक्ट्रल ऑफेंसेस होंगे और आपके ऊपर फाइन लगेगा। अच्छा, अब लेकिन बात ये आती है कि ये जो है इस तरह के बिल को टेबल भी तो किया जाए, लेकिन टेबल होने के बाद अगर इसको पार्लियामेंट ने अगर स्वीकृति देना है तो इसके लिए तो बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। यस, अभी देखिए इसमें बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर मेरा ऐसा मानना है कि चुनावी व्यवस्था देश में किसी को भी नहीं समझी अभी तक, इंडिया के अंदर में इलेक्टोरल सिस्टम जो है इसके ऊपर जो वास्ट स्टडी है वो इंडिया में किया ही नहीं गया है ठीक ढंग से। कमीशन्स हुए, बहुत सारे कमीशन्स हुए, लेकिन जो पूरा समग्र जो चुनाव जो आपको बदलाव करना है उसको यदि आपको समझना है, तो मैंने जो दो एजेंसीज़ का नाम लिया है, इंटरनेशनल आइडिया एंड वेनिस कमीशन फॉर डेमोक्रेसी, और भी बहुत सारे फिर एजेंसीज है, जब तक इसको मैंने 200 देशों का इलेक्ट्रल सिस्टम स्टडी किया है सिस्टमेटिकली ये बिल्स बनाने के लिए, उसके बाद ये बिल्स को ड्राफ्ट किया है, तो ये जो है ना होने की वजह से बाकी पार्टीज़ को ये समझ नहीं रहा है। थोड़ा समझा है कम्युनिस्ट पार्टी को, CPM को, CPI को समझा है, थोड़ा कांग्रेस को और समझा है थोड़ा बीजेपी को, तो उनके फायदे का जो है वो उन्होंने रखा हुआ है, बाकी पार्टीज़ को समझा नहीं। लेकिन ये बिल जब जाएगा तो इस पर डिस्कशन होगा, तो बहुत बड़ा जो है वो एक एजुकेशन होगा पार्लियामेंटेरियंस का, पार्टीज़ का। ऑलरेडी दो दिन का जो है मेरे पिटिशन के बाद में जो है डिबेट हुआ था दोनों हाउसेस में, लेकिन उस डिबेट से क्या मतलब निकला है? नहीं, वो डिबेट होने से कुछ नहीं होगा, इट शुड बी वोटिंग ऑन द बिल। डिबेट होने से कुछ भी नहीं होगा, तो क्या एक प्रोसीजर है, मान लीजिए चर्चा किया, सवाल किया, खत्म हो गया। बिल पर डिबेट होना चाहिए, फिर वोटिंग होना चाहिए, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो फिर ये तो कभी होगा नहीं, तो फिर ये बदलाव भी नहीं होगा? नहीं, अगर ये प्राइवेट मेंबर बिल करके इंट्रोड्यूस होता है हाँ, तो फिर लिस्ट में आएगा, तो वो उसके शेड्यूल के हिसाब से मूव हो जाएगा आगे। यदि मान लीजिए कि ऐसा नहीं होता है तो इसका दूसरा रास्ता क्या देखते हैं? दूसरा रास्ता यही है कि इस पर जो है एजुकेशन किया जाए, जन आंदोलन किया जाए, ये उसका रास्ता है, तीसरा और कोई रास्ता नहीं। तो क्या अंबेडकर पार्टी इस बात पर सोचती है? ऑलरेडी हमारे पॉलिसी में है, ऑलरेडी हम इस पर एक्शन करते रहते हैं हरदम, एक महत्वपूर्ण मुद्दा, इसलिए हम आज इस पर बात कर रहे हैं। और मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इतने महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर आवाज़ इंडिया ने आज इस पर चर्चा की। एक दूसरी बात हम इससे जुड़ी हुई देखते हैं कि जब अगर इस तरह का इलेक्टोरल रिफॉर्म अगर देश में नहीं होता है और जो प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट में जा रहा है अगर वो 100% का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या इसको ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन माना जाएगा? बिल्कुल ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन है ही है, इंटरनेशनल कोविनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का वॉयलेशन ही है। तो फिर क्या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस पर कोई संज्ञान ले या फिर UN इस पर कोई संज्ञान ले, क्या इस बात पर नहीं सोचा जाएगा? एडवाइजरी दे सकता है UN,
हाँ। लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आप कश्मीर का इशू देख लीजिए। कश्मीर के इशू पे यूनाइटेड नेशंस जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके स्वयं के रिजोल्यूशन हैं, इंडिया ने वहां पर कहा है, पाकिस्तान ने कहा है, और स्वयं रिजोल्यूशन एक्सेप्ट हुए कि प्लेबिसाइट होना चाहिए, जनमत संग्रह होना चाहिए, लेकिन जनमत संग्रह आज तक नहीं हुआ। तो इसलिए यूनाइटेड नेशंस का जो सिस्टम है वो वीक है इंटरनेशनल लॉ का, क्योंकि एनफोर्सिंग जो पावर है यूएन का वो बहुत कम है। जब तक 5 कंट्री मिलकर नहीं बोले कि नहीं डंडा लेके इसको करो तब तक नहीं होगा, P5 कंट्रीज जिनको बोला जाता है। तो फिर इन चीज़ों को कैसे माना जाए कि ह्यूमन राइट्स के जो इश्यूज़ हैं, मतलब जो इलेक्टोरल रिफॉर्म से भी जुड़े हुए इश्यूज़ हैं, अगर ये इश्यूज़ भी अगर ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनली अगर इसको सॉल्व नहीं कर सकता, तो ऐसी स्थिति में वो कौन सा डायस है कि जिस डायस पर इन सारी चीज़ों को रखा जाए? कोई डायस नहीं। हम अगर इंटरनेशनल अभी जिसको अभी सिस्टम है, देखिए हम कॉस्मोपॉलिटन लॉ नहीं बनाया अभी तक जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नागरिकों को भी अधिकार हो, क्योंकि कुछ लोग EVM का इशू को UN में लेकर गए। अच्छा प्रयास किया, मैं उनके प्रयासों को कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक नागरिक को जो है केस डालने का राइट ही नहीं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, एक NGO को जो है केस डालने का राइट नहीं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, वो राइट केवल कंट्रीज को है। तो इसलिए जो है नागरिकों को और NGOs को जो है वो राइट नहीं है। तो इंटरनेशनल लॉ का इन्फोर्समेंट वीक है, इसमें हमको अपने पार्लियामेंट से ही प्रयास करना पड़ेगा, और पब्लिक में डेमोक्रेटिक जब वॉइसिस का इमर्ज होगा तब ये चीज़ आसान होगी। आपके जानकारी के लिए मैं एक बात बता रहा हूँ कि 900 MP होने वाले हैं इंडिया के अंदर में, आज ये बात मैं आपको फोरक्लोज कर रहा हूँ, लेकिन 2024 में नहीं हो गए, 2029 में लगभग संभावना है 900 MP होने की संभावना, और नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग बन रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे वजह से शुरुआत हुई है इंडिया के अंदर में। तो इस बात की आशा की जा सकती है कि जिस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात आप कर रहे हैं शायद ये बात कभी आ जाए, लेकिन फिर भी इस बात की हमेशा ज़रूरत रहेगी कि उस बिल को टेबल करने वाला और उस पर डिस्कशन करके वोटिंग करने वाली जो राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है उसकी ज़रूरत तो हमेशा रहेगी। देखिए अभी तो मैं खुद भी डिपेंडेंट हूँ क्योंकि मैं पार्लियामेंट में नहीं हूँ, तो अभी मैं किसी MP पर डिपेंड हूँ, लेकिन मैं 24 में पार्लियामेंट जाना चाह रहा हूँ, और मैं गारंटी देता हूँ अगर मैं पार्लियामेंट पहुँच गया और BJP गवर्नमेंट भी रही या कांग्रेस भी रही तो ईट से ईट बजा दूंगा, लेकिन इस देश में ये चुनावी व्यवस्था को लाके रहूँगा, प्रोवाइडेड आई एम देयर इन द पार्लियामेंट। लेकिन क्या इसके लिए राजनीति में कोई बदलाव करने की ज़रूरत होगी? राजनीति कैसी कंडक्ट की जाए वो ज़रूर बदलाव करने की ज़रूरत है, ये तो बहुत बड़ा विषय है पॉलिटिक्स कैसा किया जाए, तो पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिसीज करने की ज़रूरत है एंड पॉलिटिक्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म भी करने की ज़रूरत है, उसके लिए मैं लिमिटेड अलायंस वगैरह पर सोच रहे हैं। लेकिन एक बात जो हम लोग हमारे देश के फिनोमेना में जिस बात को देखते हैं, मतलब पॉलिटिकल फिनोमेना में, कि यहाँ धर्म और संस्कृति या फिर धर्म संस्कृति ये मुद्दा जो मूल मुद्दे होते हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, इन मुद्दों पर ये मुद्दे हावी होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जब अम्बेडकरेट पार्टी ऑफ इंडिया इस तरह के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के साथ और जो ह्यूमन राइट्स के इशू है उनके साथ अगर आगे बढ़ना चाहती है तो इसका समर्थन कितना बनेगा? देखिए अभी जो मेरा अनुभव है जी, आप जो ये बात कर रहे हैं तो वास्तविकता है देश की, लेकिन जब हम इसको जैसे मैं कह रहा हूं कि API इज बेस्ड ऑन कॉस्मो ह्यूमनिज्म जी, कॉस्मो ह्यूमनिज्म यानी विज्ञान और मानवता पर बेस्ड है, मेनी लॉज एंड मल्टीपल सॉल्यूशंस पर बेस्ड है, ये ह्यूमन राइट्स पर बेस्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है, और ये अम्बेडकर डिस्कोर्स पर भी बेस्ड है। तो जब हम इस बात को लोगों को लेकर जाके समझाते हैं तो लोग ज़रूर इसको सोचते हैं, और इस यही तो कारण है कि आज API 20 स्टेट्स में है और इसका वोटिंग बढ़ रहा है धीरे धीरे, अब सिर्फ जीतने का सवाल है। तो ऐसा नहीं कि ये बात बिल्कुल नहीं हो सकती, डिफ़िकल्ट है लेकिन हो सकती है, और जब तक इंडिया में 2-3 पार्टीज़ ऐसी नहीं होंगी नेशनल लेवल पर तब तक ये प्रॉब्लम बना रहेगा, क्योंकि BJP कांग्रेस तो चाहती है या MIM जैसी भी पार्टीज़ है वो चाहती है कि रिलीजन की पॉलिटिक्स होते रहे देश के अंदर में, पर पॉलिटिक्स तो लोगों के कल्याण के लिए होनी चाहिए, देश के डेवलपमेंट के लिए होनी चाहिए, लोगों के राइट्स के लिए होनी चाहिए। तो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की ज़रूरत है जो API ने इनिशिएट किया है, अब जितना पॉलिटिकल पार्टीज इसको फॉलो करेगी तो देश की पॉलिटिक्स बदलेगी। अगर मोटे तौर पर अगर हम लोग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को अगर कहना चाहें तो आप इसको समराइज कैसे करते हैं? 8-10 चीज़ों में करूँगा जी। एक पहले तो FPTP हटाना है, PR सिस्टम लाना है, ये हमारा अच्छा, स्लोगन जो, जो, जो अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया का स्लोगन स्लोगन बना रहा है, FPTP हटाना है, PR सिस्टम लाना है, ये पहला तो मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम लाना है, 1,500 MP रहेंगे लोकसभा में, राज्यसभा में 675 रहेंगे, 25 नॉमिनेटेड, 650 इलेक्टेड होंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन से, लोकल बॉडीज़ में भी जो है PR सिस्टम और FPTP का हाइब्रिड सिस्टम होगा, एक कट ऑफ लिमिट 0.5% होगी, 0.15% नेशनल लेवल पर, जहाँ 40 सीटों से कम है
वहाँ 5% का कट ऑफ होगा, जहाँ 40 सीटों से ज़्यादा है वहाँ 2.5% का कट ऑफ होगा। यानी किसी भी पार्टी को इतने वोट मिल जाए तो उसके उतने एमपी रहेंगे, प्रोपोर्शनल जितना परसेंट वोट मिलेगा, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दूसरा जो है वो देश के अंदर में जो है वो पब्लिक फंडिंग होना चाहिए, इसके लिए एक इलेक्ट्रोल जो है फंड बनाया जाए, जिसको टैक्स एग्जम्पशन लेना है वो उसमें जो है वो दे दे, पीएम केयर फंड में ना दे, उसमें दे दे, और फिर वो पैसा पार्टी और जो है कैंडिडेट्स को मिले, सेकंड बात है। तीसरा मीडिया रेगुलेशन का लॉ है, महिलाओं को 33% का जो है वो रिजर्वेशन का प्रोविजन है। पीआर सिस्टम में एसएसटी का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो प्रोविजन इसमें किया हुआ है। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज प्रॉपर, वो इसका इसमें प्रोविजन जो है वो दिया हुआ है। नए इलेक्टोरल ऑफेंसेस जो है इसमें, जैसे ईवीएम में अगर आप आज अगर कोई रीप्रोग्रामिंग कर रहा है तो इलेक्टोरल ऑफेंस नहीं है आज की तारीख में, अगर आप ईवीएम उठा के ले जाए तो ऑफेंस है, लेकिन बैठे बैठे दूर से उसको प्रोग्राम कर दे तो ऑफेंस नहीं है आज के तारीख में। तो न्यू इलेक्टोरल ऑफेंसेस इसके अंदर में जो है वो लाने का जो है वो प्रोविजन है। और पॉलिटिकल पार्टीज का नेशनल और स्टेट पार्टीज के रिकॉग्निशन को रिड्यूस करने का प्रोविजन है। परमानेंट सिम्बॉल्स होने चाहिए पार्टीज का, ये जो है क्यों सिंबल परमानेंट, कितना वोट मिलने के बाद ही हो, सारे पार्टी को अपना सिंबल वो पॉपुलराइज करे और वोट मिले तो फिर उनको रिकॉग्निशन मिले, तो रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया रिड्यूस्ड हो, परमानेंट सिंबल जो है वो मिले, ये है। और ये बिल्स में अभी 100% पेपर ट्रेल काउंटिंग हो, ये है। और अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये लगता है कि बैलेट से चुनाव होना है तो ये बहुत ही आसान है, मैं बता रहा हूँ, उसका बिल बनाना बहुत आसान है। अगर कोई नहीं बनाएगा तो मैं बना के देता हूँ 10 दिनों के अंदर में, लेकिन अपोजिशन पार्टीज़ को उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा पार्लियामेंट के अंदर में। तो ये 10 बिल्स में मोटे मोटे तौर पर जो है ये सारी चीज़ें हैं। और अगर ये होता है, और पॉलिटिकल पार्टी के खर्चों पर भी सीलिंग का भी प्रोविजन है, तो ये तमाम चीज़ें यदि होती है तो भारत में मैं गारंटी से कहता हूँ बीजेपी कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। क्योंकि अभी आप देखिए ना, एनडीए को 45% वोट है, यानी 250 से कम सीटें होना चाहिए उसको, 325 सीटें। बीजेपी को लगभग 35% वोट है, उसको 180 के आसपास सीटें चाहिए, उसको 303 सीटें आई है। तो अगर ये इलेक्टोरल सिस्टम आए तो बीजेपी कांग्रेस को जब तक 51% वोट किसी भी पार्टी को नहीं मिलेगा, उसकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से गवर्नमेंट नहीं मिलेगी और स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी। जर्मनी का उदाहरण देखिए, सबसे स्टेबल गवर्नमेंट होती है। ये भी एक सवाल था कि अनस्टेबल होती है, स्टेबल होती है, जर्मन मॉडल ली है और भी कोई मॉडल ली है, तो हाइब्रिड सिस्टम में भी स्टेबल गवर्नमेंट आती है और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, मतलब ये संभव है, बिल्कुल पॉसिबल है। जब शासन है, शासन सत्ता है, तो उसके साथ जुड़ी हुई राजनीति भी होती है, लेकिन राजनीति का आधार क्या हो और उसका स्रोत क्या हो? अगर राजनीति का साधन धर्म है तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अगर उसका आधार मानवता है, विज्ञान है, तो फिर वो राजनीति अपने आप में एक बेहतर जीवन शैली की ओर ले जाएगी। ये बेहतर जीवन शैली का निर्माण करना, यही तो सरकारों का काम होता है, और इसी के लिए सरकारें बनाई भी जाती है, अपना प्रतिनिधित्व भी दिया जाता है और सरकार चलाई भी जाती है। आप समझदार हैं, देख सकते हैं कि किस तरह के दौर से इस समय हम लोग गुजर रहे हैं। हम लोग बातचीत कर रहे थे इलेक्टोरल रिफॉर्म पर, यानी कि चुनावी सुधार पर ये बातचीत हम कर रहे थे अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट धीमान विजय मानकर साहब के साथ। सर, आप हमारे साथ हैं, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स।